जेरूसलम की स्थिति बहुत पेचीदा है। यहाँ पर आप ऊंची ऊंची दीवारें देखेंगे और जैसे मेरे पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो ये हिस्सा हो जाता है ईस्ट जेरूसलम का। हम आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं जेरूसलम को लेकर, इस समय किसकी सत्ता, कौन सा हिस्सा किसके नियंत्रण में और कहाँ पर सबसे अधिक विवाद। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और इसने देखी है दुनिया की सबसे भीषण लड़ाइयां। यहाँ मिटे और पनपे हैं कई साम्राज्य, सोलोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर। आज की जंग इन्हीं साम्राज्यों के उत्तराधिकार की जंग का एक हिस्सा है। ये सिर्फ एक संयोग ही है कि जो जेरूसलम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों को बांटता है, उनके बीच संघर्ष की स्थितियां पैदा करता है, वही जेरूसलम ऐतिहासिक रिश्ते में इन तीन धर्मों को एक सूत्र में बांधता भी है। जेरूसलम की गलियों से होकर एक इतिहास निकलता है और वो तीनों धर्मों को एक धर्म में समेट देता है। ईसाइयों का आस्था प्रतीक चर्च है, इस्लाम की मान्यताओं की मस्जिद अल अक्सा और यहूदियों के धर्म का आधार सेकेंड टेंपल की बची दीवार। तीनों धर्म के अनुयायी यहां अकीदत रखते हैं। यहूदियों को यह विश्वास है कि ये जो पश्चिमी दीवार है वो उनके सबसे प्राचीन मंदिर का हिस्सा है, उनके सबसे प्राचीन टेंपल का हिस्सा है। बेबीलोन सभ्यता के समय पहली बार इसे डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके बाद जब दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण हुआ तो फिर ये नष्ट किया गया। और मेरे ठीक पीछे जो दीवार आप देख रहे हैं उससे लगकर जितने भी यहूदी हैं वो अपनी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सबसे प्राचीन जो उनके पास निशान मौजूद है वो यही है। दीवार की शक्ल में बचे ये अवशेष जेरूसलम के अब तक के पूरे इतिहास के गवाह हैं। कभी ये दीवारें यहूदी के पहले उस सुलेमानी मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी जो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान था। कहा जाता है कि 937 ईसा पूर्व यहूदियों का जब यहाँ फर्स्ट टेंपल था तो वो इतना विशाल हुआ करता था जिसे घूमने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन खंडहर बता रहे हैं कि इसने कितने आक्रमणों को झेला और अब बस अस्तित्व के कुछ निशान बचे हैं। आइए बताते हैं ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले जब ईसाई और इस्लाम नहीं थे तब यहूदी धर्म हुआ करता था और उसके 10 कबीले यहाँ थे। यहूदी धर्म की शुरुआत हजरत अब्राहम से हुई। मुसलमान अब्राहम को ही हजरत इब्राहिम कहते हैं और उनको पैगम्बर मानते हैं। अब्राहम 2000 ईसा पूर्व धरती पर आए थे। अब्राहम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक के बेटे थे याकूब। याकूब का ही एक नाम था इजराइल, जिनके नाम पर आज इजराइल देश बनाया गया है। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया और नाम रखा था इजराइल। याकूब के एक बेटे का नाम था यहूदा, इन्हीं के नाम पर इनके वंशज यहूदी कहलाए। दूसरी तरफ हजरत इस्माइल के आने वाले वंशजों में पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान कहलाए और इस्लाम धर्म शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर माने गए। यहूदी धर्म में हजरत मूसा का जन्म हुआ जो मिस्र में जन्मे, लेकिन बाद में हजरत याकूब के बसाए इसराइल में लौट आए और ईश्वर के सुनाए 10 सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत ही आज यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसी में आगे चलकर सुलेमान हुए, जिन्होंने वो मंदिर बनाया जिसके अवशेष दीवार के रूप में मौजूद हैं। यहूदी धर्म में ही आगे चलकर ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिनके मानने वाले ईसाई कहलाए। दिलचस्प ये है कि मुसलमान हजरत मूसा और ईसा मसीह को भी पैगंबर मानते हैं। समय बीता और यहूदियों के किंग दाऊद और सुलेमान के बाद यहाँ बेबिलोनियों का कब्जा रहा। रोमन साम्राज्य आया जिसने यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया। आज जो दीवार है उसे वेलिंग वॉल यानी विलाप करने की दीवार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ ईरानियों का कब्जा रहा और धीरे धीरे इस्लाम की सत्ता आ गई, यहूदियों को यहां से खदेड़ा जाने लगा। तीन धर्म, यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों की भावनाएं जेरूसलम से जुड़ी थी, क्योंकि यहूदियों का साम्राज्य था तब उनके धर्म का आधार ही यहां से जुड़ा था। उनके प्रार्थना स्थल मंदिर की दीवार आज भी है। उसी परिसर में है अल अक्सा मस्जिद, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे
और उनसे पहले आए पैगंबरों को नमाज पढ़ाई थी। साथ ही पास ही में है डोम ऑफ द रॉक, यहाँ से ही मोहम्मद साहब जन्नत के सफर पर गए थे। इस लिहाज से ये इस्लाम के लिए भी पवित्र भूमि है। यहीं पर है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर, यहाँ ईसा मसीह को दफनाया गया था। इस्लामिक सत्ता के अधिकार से जेरूसलम को आजाद करने के लिए और ईसा मसीह के समाधि स्थल वाले स्थान को कब्जे पर लेकर ईसाई धर्म ने इस्लामिक सत्ता से 1095 से 1291 के बीच 7 धर्म युद्ध लड़े, जिन्हें क्रूसेड यानी सलीबी जंग कहा गया। इस्लामिक सत्ता के लोग दमिश्क में इकट्ठा हुए और अपनी लड़ाई को जिहाद नाम दिया। ये अरबी शब्द था और इसका अर्थ संघर्ष हुआ करता था, इस्लाम के लिए संघर्ष नहीं। फिलिस्तीन उस वक्त इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑटोमन साम्राज्य को हराया और अपने कब्जे में ये पूरा क्षेत्र ले लिया। 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बालफोर घोषणा की, जिसका उद्देश्य था यहूदियों को होमलैंड लौटाने का वादा, और इसके बाद दुनिया भर में बिखरे यहूदी वापस अपनी मातृभूमि लौटने लगे। धीरे धीरे वो इतनी बड़ी संख्या में लौट आए कि ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस को ये मामला सौंप दिया। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच राष्ट्र का बंटवारा कर दिया, और हजरत याकूब के समय बनाए गए राष्ट्र के आधार पर ही यहूदियों ने अपने राष्ट्र का नाम दिया इसराइल। आज भी धर्म स्थल पर अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर कब्जे को लेकर वो जंग जारी है। हमास फिलिस्तीन से निकला एक संगठन है और अल अक्सा की लड़ाई लड़ने का वादा कर रहा है। इसराइल अपने यहूदी धर्म की और अमेरिका इस जंग का एक अहम हिस्सा। समय के साथ बस नाम और पहचानें बदली हैं, लेकिन किरदार वही है। एक ही धर्म से निकले तीन अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग।